Hi, assalamu alaikum everyone. Welcome back to our YouTube channel. आज भी जो है आयशा किचन में लगी हुई है, पता नहीं कुछ अमेजिंग सा ट्राई करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारा सामान मंगवाया है इसने मुझसे आज, देखते हैं और पूछते हैं इससे कि क्या करने की कोशिश कर रही है। और आई होप कि जो नया एक्सपेरिमेंट है वो बहुत डिलिशियस हो, क्योंकि नॉर्मली इसका हर खाना बहुत डिलिशियस होता है। वट एवर शी ट्राइज इट्स मेरे मुँह में पानी आ रहा है। वट एवर शी ट्राइज इट्स ऑलवेज वेरी यमी। तो लेट्स गो एंड चेक आउट कि क्या कर रही है। हाँ, थोड़ा सा तंग नहीं करते आज इसको, मज़ा नहीं आएगा, वरना रोज़ रोज़ इस तरह तंग करना अच्छा नहीं लगता। चलें आज चेक करते हैं। व्हाट्स अप आयशा, क्या हो रहा है? बड़ी मेहनत हो रही है, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? पिज्जा। पिज्जा, ये जब बनेगा ना फिर तुम्हारी हंसी। सीरियसली पिज्जा बन रहा है? मतलब देसी पिज्जा या लाइक पिज्जा पिज्जा? पिज्जा पिज्जा। नहीं यार जी, ऐसा ओके। अभी तो फिलहाल मैंने डोर रेडी की है। कहाँ है? तो वो रही यार, किचन मैसी हो रहा है थोड़ा सा। कोई वो तो ऑब्वियसली चीज़ बनेगी तो डो तो मैसी होगी। और मुझे तुम जरा चीज़ ग्रेट कर दो। और कभी अबीर जो है वो ट्यूशन से आ गया। हाय गाइस। कभी एज यूजुअल अपना फ़ोन में लगा हुआ है। तो ये सामान है जो आया था। हम बना रहे हैं टिक्का फ्लेवर। हम ये बना रही हैं, हम नहीं, हम का वर्ड सही नहीं लग रहा है इस पर। क्या बना रही हो? टिक्का फ्लेवर। अच्छा, इसमें जो है वो इसको पहले मैरिनेट करके रखा चिकन को बोनलेस को विद अदरक लहसुन और थोड़ा सा टिक्का मसाला और बाकी घर के मसालों के साथ। हाय मम्मा। फिर उसको 15-20 मिनट्स मैरिनेट करके उसको फ्राई कर लिए। हाय मम्मा। और डो रेडी करके रखी है, लो डो रेडी करके रखी है। अच्छा, तो डो की शक्ल कुछ इस तरह की है। कोई नज़र? हाँ, अब आ रहा है। हाँ, तो ये डो है। और बाकी इस पूरे पिज्ज़ा में मैंने ये किया है, कटिंग की है थोड़ी सी, और देखते हैं क्या सीन है। आयशा, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ आयशा, एक बात पूछनी थी। गेम खेले? एक तो एक गेम खेलते हैं ना, छोटा सा। एक कंसंट्रेशन जो होते एक तरफ होनी चाहिए। मम्मा कहाँ है? छोटा सा गेम खेल लेते हैं यार। खाने की तरफ है ना, तो पूरा कंसंट्रेशन। सही नहीं खेलना गेम, पिज्जा ही बनाना। वाह, ये कोयला क्यों रखा है तुमने इसमें? टिक्का है ना? हाँ टिक्का है ना, तो दम जबरदस्त यार। मतलब कुछ अमेजिंग सा टर्न आउट होने वाला है इसका, मतलब। वाह यार वाह वाह, तुम तो कुक निकली यार। वाह, तुम जो भी बनाती हो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो आज मैं मम्मा के कहने पे इतना अच्छा पढ़ के आया हूँ कि टीचर ने मुझे गुड बोला। और मैं अभी इस अभी बैलेंस का कार्ड लेने जा रहा हूँ अपने फोन के लिए। हाँ, और जल्दी वापस आना, रात हो चुकी है, ज़्यादा देर नीचे नहीं रुकना, 5 मिनट में वापस आना, ठीक है? और आंसर आप कबीर से बात करते हैं। कबीर अपना टैब, उसके गेम। हाय गाइस, कैसे हैं आप? कबीर को मेरा पेट बहुत पसंद है। हाँ चले आए, ज़रा देखते हैं, डो रेडी हो रही है, असेंबलिंग देखते हैं। अभी दरवाज़ा नॉक कर देना, ठीक है? बंद कर दो दरवाज़ा। तो डो रेडी हो रही है, कैसे हो रही है आयशा, क्या करेंगे हम डो में? ये
ये डो रेडी हो रही है? नहीं नहीं ये तो मैं इसको निकाल दूंगा। अच्छा मुझे, मैंने तुमसे चीज बोला था, चीज ग्रेट करने के लिए वो, हाँ वो फिर रह जाएगा। वो किस में करूँ? प्लेट रखी ना। अच्छा ओके ट्राई करते हैं। तो ऐसे नहीं करना, चीज जो है वो रेडी करते हैं ताकि हम भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कर लें। वो कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लें ताकि कल को अगर कोई बात हो तो हम बोले कि हमने भी इस पिज्जा में थोड़ी सी हेल्प आउट की थी। ठीक है दोनों करनी है? तुम मुझे बता दो कितनी करनी है फिर मैं उस हिसाब से कर दूंगा। नाइफ देना। नाइफ दो। ये होती है मोज़ेला चीज। कितनी करनी है? हाफ हाफ कर, हाफ कर दूं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता, इसको वो करते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। क्या बोलते हैं? चीज ग्रेट करना। ओके यार इतनी मेहनत इंसान घर में करे पिज्जा बनाने के लिए, 1000 रुपए का पिज्जा बाहर से मंगवा के ना खा ले। जब आपके घर पे सारी चीज अवेलेबल हो तो फिर कभी कभी मेहनत करने का भी मजा आता है। देखिए अवेलेबल तो हमारे घर में होती है ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली अपने मंथली ग्रोसरीज में लेके आ जाते हैं मोज़ेला चैटर वगैरह। जिनके घर में नहीं होती अवेलेबल उनके लिए तो बहुत बड़ा खर्चा है। वन टाइम का ये ना खर्चा, बार बार तो नहीं आपको करना पड़ रहा ना खर्चा। पिज्जा सॉस की बॉटल ये सब कुछ तो आप वन टाइम ही लाओगे ना, बार बार तो नहीं लाओगे। हाँ लेकिन एक चीज है कि अगर तो ये पिज्जा अच्छा बन गया ना फिर ऑनलाइन पिज्जा के ऑर्डर भी लेना शुरू कर देंगे। सही है फूड पांडा पे रजिस्टर करवा दो ना, तो ऑनलाइन पिज्जा के ऑर्डर बनाना शुरू कर देना। ये चीज का जो स्लाइस है ये देखने में मुझे इतना यमी लग रहा है कि दिल कर रहा है ऐसे ही बंदा उठा के खा जाए इसको। आप कर देंगे, रुक जाओ 2 मिनट। क्या करना है? पैकेज करना है उसको। अब मैं इंटरनेट का मैं कर देता हूँ। ये तो चीज खाओ। नहीं ये अच्छी होती है, वही चीज होती है ये। यार अभी जाया नहीं करो यार, फोन गिर गया मेरा। तो हाफ हाफ मोज़रेला कर दी है मैंने, हाफ चैटर कर दूं, मिक्स कर दूं दोनों को? मसला तो नहीं है? नहीं अलग अलग करनी है। और नहीं लेना पिज्जा में डले। ओके
आयशा ये जो पिज्जा में जो वो जो पिज्जा का स्लाइस उठाते हैं तो चीज की लेयर बनती है वो चैटर से बनती है मोज़रेला से बनती है? अच्छा तो मतलब इन दोनों चीज का अपना अपना एक काम है। चैटर टेस्टी भी है यार। ये देखो जरा फ्रिज से मुझे पिज्जा सॉस दे दो। चैटर चीज हाँ। और दूसरी चीज ये क्या अगर तुम डायरेक्टली जो है वो बाहर से पिज्जा खरीद लो तो किचन भी तुम्हारा इतना मैसी ना हो, ये बात भी है। तुम चाह रहे हो कि मैं बाहर से ना खाऊं? नहीं ये नहीं चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी कभी इंसान ना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि अगर तो ये पिज्जा सही बन गया तो आज के बाद से मैं बाहर से पिज्जा नहीं आएगा। कभी कभी नहीं हमेशा अपने घर पे की हुई मेहनत ही अच्छी होती है, क्योंकि एक चीज जो है वो आपके सामने बन रही है। और यार ये चैटर तो बिल्कुल मक्खन की तरह मेल्ट हो रही है सारी। हाँ चैटर थोड़ी सी होगी तो इसको ग्राइंड कैसे करूँ? बस ऐसे ही हल्का हल्का सा कर दो, ये थोड़ी सी होती है। नहीं यार ये नहीं होगी। बाहर से जो पिज्जा मिलता है उस जैसा परफेक्ट तो घर में पिज्जा नहीं बन सकता। लेकिन बाहर से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये भी तो नहीं पता। एटलीस्ट हम घर से साफ सुथरा तो बना रहे हैं, वो देख ले कितना साफ सुथरा बना रहे हैं। भाई ये चैटर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत मक्खन की तरह हुआ भाई। तो चैटर को ऐसे ही यूज करो, अल्लाह मालिक है, हमने किसी को खिलाना थोड़ी, अपने पेट में ही जाएगा तो जैसा भी होगा चला जाएगा। अभी जी ये पकड़ यार। ये पकड़। चले फिर पिज्जा थोड़ा असेंबल करते हैं, उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं क्योंकि बहुत मैसी हो गया, शायद मुझे करना नहीं आता इसलिए थोड़ी देर में बात करते हैं फिर। तो कुछ इस तरह का आउटकम आया है। तो अभी ये जो है वो माइक्रोवेव होगा या बेक होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो दिखने में तो बहुत ही कोई लजीज लग रहा है। आयशा से पूछना, आयशा कैसा होगा आउटकम? इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी। हाँ अल्लाह करे। चलो देखते हैं। दो बना रही हो ना, क्योंकि थोड़ा साइज कम लग रहा है मुझे। पहले एक रेडी हो जाए ना फिर हम दूसरा रखें। हाँ चलो सेट है, चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो पहला पिज्जा हमारा माइक्रोवेव में है। पिज्जा बनाने के जो है वो आशा बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब तवे पे भी बन जाते हैं जिन लोगों के पास माइक्रोवेव या ओवन ना हो। मैंने अभी खरीदनी है, परचेज करनी है। अगर आज पिज्जा अच्छा बन गया तो इंशाल्लाह पिज्जा ट्रे परचेज करूंगी। तो हम लोग माइक्रोवेव में बना रहे हैं। हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं जो कि हम दोनों को मिनट्स का अंदाजा है नहीं। जब रेडी हो जाएगा तो बिना दिखाए खा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो पहला वाला जो है वो पिज्जा हमारा ऑलरेडी माइक्रोवेव के अंदर है। और काश के खुशबू जो है वो आप भी स्मेल कर सकते हो माइक्रोवेव के पास खड़े होके। ओ आयशा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत अमेजिंग होने वाला है ये। अब वो अल्लाह बेहतर जाने, एक ऑलरेडी माइक्रोवेव में है, दूसरा जो है वो रेडी हो रहा है जिसकी चीज़ मैंने जो है वो ग्राइंड कर ली है। और थोड़ा सा किचन मैसी हो गया है लेकिन ठीक है, चीज़ हमारे सामने बन रही है तो
यही काफ़ी हम लोगों के लिए। क्या बोल रही हो? ट्रे दिलाओगे? किस लिए दिलाऊंगा? पिज्जा ट्रे। आज अच्छा पिज्जा बन गया तो? हाँ तो ऑब्वियसली जब मुझे खुद खाने में मजा आएगा तो मैं। बिकॉज यार पिज्जा ट्रे नहीं है ना तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो होती ना तो इजीली हर चीज, फिर मैं आपको उसमें भी बनाना बताऊंगी। हाँ और रेसिपी नहीं बताओगी? यार रेसिपी इसकी लो की लो, ये है कि कुकिंग चैनल है तुम्हारा। हम अपना अपना आर्ट दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमने इसमें 2.5 कप मैदा लिया और उसमें 1 टीस्पून हमने खमीर का डाला, ईस्ट जिसको कहते हैं वो डाला। उसके बाद हमने 2 टीस्पून हमने शुगर डाली, सॉल्ट हमने 1 टीस्पून डाला, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाले और उसको 1 कप नीम गर्म पानी के साथ उसको हमने गूंद के और 2-2.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था उसको एयर टाइट करके। तो मतलब जब मैं सो रहा था तुम ये कर रही थी? हाँ। वाओ, यू आर सो अमेजिंग। चिकन जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको मैंने किस तरह मैरिनेट किया, अदरक लहसुन थोड़ा सा टिक्का मसाला और घर के जो भी मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, ये सब डाल के मैरिनेट करके रखा। उसके बाद उसको फ्राई पैन में अच्छी तरह उसको वो कर लिया, फ्राई करके कोयले का आप उसमें स्मोक दे के उसको रेडी कर लें। फिर पिज्ज़ा डो में इससे उसको 2 हिस्से करके उसको थोड़ा सा बेल के उसमें पिज्ज़ा सॉस लगा के चिकन रख के फिर उसको असेंबल कर लें, चीज़ डाल के और सारी चीज़ें डाल के आपको उसके बाद पकाना है। उसके बाद फिर रिजल्ट का वेट करें। बनाना है आपको उसके बाद? नहीं, खुशबू खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, नो डाउट बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पतीली में बनाना है? देखो मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, देख रही हो ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस अल्लाह इज्जत रखे, इंशाल्लाह दुआ करें कि अच्छा बन जाए। देखो बस एक औरत की मेहनत उस वक्त रंग ले आती है जब उसकी चीज अच्छी बन जाती है, उसकी आधी भूख उसी टाइम पूरी हो जाती है जब चीज अच्छी बन जाती है। और जब अच्छी नहीं बनती ना तो वह ऊपर ऊपर से तो खुश होती है लेकिन अंदर से जो है ना वो उसकी मेहनत जो होती है वो तो कुछ नहीं होता, तुम्हें पता है हम वैसे भी खा लेते हैं। चलो वेट करते हैं फिर पिज्जा का, सही है? ओके। अच्छा पिज्जा रेडी हुआ? हाँ कुछ ऐसा बना है, वाह देखने में तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग लग रहा है। अच्छा खा के बताऊं? नहीं दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर का पिज्जा है, मतलब प्रोफेशनली अब मैं तुम्हें पिज्जा हट से तो कंपेयर नहीं करूंगा। हाँ वो उसका वो भी लिए ना हमारे पास उठाने वाला, यार वो ऐसे ऐसे सब ले लेंगे। पकड़ो स्लाइस पकड़ो, बहुत गर्म हो गई है। ओ बहुत गर्म है आशा, बहुत गर्म है। नहीं नहीं बहुत ज़्यादा गर्म है। चले फिर हम खा के, फिर खाने के बाद आपको व्यू देंगे इंशाल्लाह। वाओ वेरी नाइस अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। चलें फिर मुलाकात होगी आपसे, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और पिज्जा एंजॉय करें। अल्लाह पिज्जा एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।